अब आपके सामने है एक वैगन आर, चाहे क्लासिक लुक नजर आ रही है, स्पोर्ट्स कार फील आ रही है, और कंप्लीट जो इसकी रूफ है उसमें रोल्स रॉयस टाइप की स्टारलाइट लगा दी गई है। हेडलैम्प है उसके अंदर, IPS प्रोजेक्ट और साथ में DRL फंक्शन। यहाँ पर वैगन आर का इंटीरियर जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद अब चलते हैं प्राइसिंग को लेकर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखेंगे अब आपके सामने है एक वैगन आर जो मॉडल है 5-7 साल पुराना, और देख सकते हैं आप थोड़े से हैरान होंगे क्योंकि टैक्सी नंबर आपको शो रहा होगा, बट यहाँ पर ये टैक्सी नंबर अब इसको पर्सनल यूज में किया जा रहा है। इस वजह से कस्टमर इसके अंदर जो पूरी लुक है, जैसा कि देख रहे हैं आप, आउटर से पूरा इन्होंने पेंट वर्क किया है, साथ में यहाँ पर पूरा पियानो ब्लैक की ग्रिलिंग, यहाँ पर भी जो इसके कंपनी फिटेड हेडलैम्प है उसके अंदर IPS प्रोजेक्ट और साथ में DRL फंक्शन यहाँ पर ये इंस्टॉल कर दिया है। डिजाइनिंग फोग लैंप यहाँ बन चुकी है, नीचे IPS के जो प्रोजेक्टर है वो यहाँ इंस्टॉल कर दिए गए हैं। कंप्लीट जो देखेंगे फ्रंट की लुक, देखिए वही तो कह रहे हैं शोक की कोई कीमत नहीं होती। तो इस गाड़ी के अंदर नॉर्मली ये आप समझ लीजिए 28,000 से 30,000 के ये प्रोजेक्टर फॉग लैंप होते हैं जो यहाँ लगे हैं, और नीचे IPS के प्रोजेक्टर लग चुके हैं। विदाउट लाइट के रात के टाइम का नज़ारा ले लीजिए, ये है फॉग लैंप का जो इफेक्ट आता है, और ये आप किसी भी कार में अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। अगर आपको आपकी जो लाइटिंग है वो हेडलैम्प में डिम लगती है, कम लगती है, रोड पे विजिबिलिटी कम रहती है, तो आप अपनी हेडलैम्प के अंदर इसमें IPS प्रोजेक्टर इंस्टॉल करा सकते हैं। हालांकि आपके IPS प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, फिर भी अगर आपको कम लगती है तो आप एक जेनोन कंपनी के हैं वो IPS प्रोजेक्टर फॉग लैंप करेंगे, तो आपकी जो रोड की विजिबिलिटी है, लाइटिंग इफेक्ट है, वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए अब इंटीरियर की तरफ मैं आपको एक नाइट विजन में दिखाता हूँ किसके अंदर वर्क क्या हुआ है, ये देखेंगे आप। सो पेगासस प्रीमियम ने करा है इसका एक लग्जरी इंटीरियर। इंटीरियर का कलर आप बाद में देखेंगे, आपके लिए सरप्राइजिंग है। यहाँ पर देखेंगे स्टारलाइट इफेक्ट ब्लिंक कर रहा है, और कंप्लीट जो इसकी रूफ है उसमें रोल्स रॉयस टाइप की स्टारलाइट लगा दी गई है जो आपके फ़ोन की एप्लीकेशन से चेंज होती है। आप अपने हिसाब से दोस्तों कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी एप्लीकेशन है, तो एक बार डेमो चलिए इसका भी देख लीजिए लगे हाथों। रेड कलर की छत इस समय, ये हो गया ग्रीन कलर की। तो मेरे हिसाब से जो इसका इंटीरियर है उस पर ये कलर सूट करता है, बट फील्ड में आपको सारे कलर दिखा देता हूँ, ब्लू कलर, वाइट कलर, येलो कलर और पिंक कलर। तो यहाँ पर आप बताइए दोस्तों, आई थिंक दैट दिस कलर ये इंटीरियर से मैच कर रहा है। देखिए अभी आपने इंटीरियर देखा नहीं है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका प्रीमियम लग्जरी इंटीरियर, जो वैगन आर में शायद ही आपने ऐसा कोई इंटीरियर देखा होगा। तो चलिए एक बारी लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं इसका इंटीरियर। सो अब आप देख रहे हैं ये इसका हुआ है लग्जरी प्रीमियम इंटीरियर ऑफ मारुति सुजुकी वैगन आर। सो यहाँ देखेंगे आप सी ब्लू कलर के अंदर कम्प्लीट जो इंटीरियर हुआ है, सीटिंग से लेके रूफ, साइड्स के डोर्स, नीचे का पूरा फ्लोर भी देखो सेम कस्टमाइज का बना दिया गया है। डैशबोर्ड के अंदर सेम डोल्टो इफेक्ट है, ब्लू के साथ व्हाइट कलर, कार्बन थीम हर जगह आपको दिखेगी, साइड्स के डोर से लेकर डैशबोर्ड तक में, और डैशबोर्ड के नीचे वाले पार्ट्स में हर जगह आपको वो टचअप दिखेगा जो एक इंटीरियर को कंप्लीट करता है। यहाँ पर वैगन आर का इंटीरियर जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हो चुका है। डिटेल में बात करें सबसे पहले चलते हैं इसके स्टीयरिंग पे। तो इसका स्टीयरिंग आपको लग रहा है वैगन आर का लगेगा नहीं, रीजन क्यों, क्योंकि स्विफ्ट का या मारुति की और एक गाड़ी है उसका यहाँ पर स्टीयरिंग है। सो यहाँ पर इसका स्टीयरिंग कंप्लीट ब्लैक के साथ हम व्हाइट स्टिचिंग कर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि स्टीयरिंग की जो लुक निकल के आ रही है काफी अच्छी, बिकॉज ऑफ स्विफ्ट का स्टीयरिंग जब वैगन आर में लगता है तो ये लुक आती है। फ्रंट का डैशबोर्ड पे चलेंगे तो ब्लू के साथ, अगेन मैं बता चुका हूँ, ये जो पियानो व्हाइट और साथ में जो एक कार्बन थीम है, ये आजकल देख सकते हैं पियानो ब्लैक और कार्बन थीम हिट है, चलन में है। अपनी गाड़ी का इंटीरियर थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए साइड डोर पैनल पे, जैसा कि इस समय यहाँ देख रहे हैं, सेंटर में यहाँ देख रहे हैं, और भी छोटी छोटी जगहों पे आप ये टचअप डलवा सकते हैं, जैसा कि इसकी ग्रिलिंग में भी देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसका जो AC के ये वेंट्स हैं यहाँ भी देखेंगे तो कार्बन थीम है। अगेन यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ कार्बन थीम छोटे छोटे बटन्स में है वो यहाँ पर यूज़ कर ली गई है। हालांकि इस गाड़ी के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं, अभी इंटीरियर की बात करेंगे, फिर म्यूजिक सिस्टम की और आउटर इफेक्ट के साथ इसका फाइनल प्राइसिंग बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में, तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। साइड्स के डोर में देखेंगे तो लेदर रैप कर दिया गया है ब्लू के साथ, ये जो हैंडल्स है ये भी मैंने व्हाइट कलर का टचअप दे दिया ताकि लुक एक इनहेंस होती रहे, मतलब डोर्स भी अपने आप में लग रहा है आपको ये वैगन आर का डोर है, नहीं लगेगा कसम से। इसका कलर चेंज करते इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कार का उस हिसाब से। नीचे का लोअर डैशबोर्ड देखेंगे तो ये भी हमने कर दिया है पूरा सी ग्रीन कलर में, यहाँ देखेंगे सी ग्रीन कलर के साथ व्हाइट कलर का ऑप्शन दे दिया। अच्छा इसका कंसोल देखो कितना छोटा है, ठीक है देखो आप इस हिसाब से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ कार्बन थीम देखो दिख रही होगी आपको,
और ये देखेंगे इसका आर्मरेस्ट है जिसमें पीछे ग्लास होल्डर है। ये देखेंगे ग्लास होल्डर यहाँ दे रखा है तो काफी अच्छा है। पीछे का एक ओरा दिखाता हूँ आपको, फिर सीटिंग पे चलते हैं। ये देखेंगे आप पीछे की सीट्स में भी हमने यहाँ आर्मरेस्ट लगा दिया। दोस्तों आपको वैगनार में, नई वैगनार में भी, ये तो पुरानी है, कभी आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पर आर्मरेस्ट इंस्टॉल कर दिया है। अब आप सोचिए कि वैगनार के अंदर आर्मरेस्ट इंस्टॉल और ये भी जो थे इसके हेडरेस्ट, ये हमने इंस्टॉल करे हैं। और ये लुक जो है आपकी जेन्युइन तरीके से आर्मरेस्ट आता है वो आ रही है, मतलब ये देखेंगे आप, यू कैन यूज इट एज यू विश। तो यहाँ पर लगा दिया गया है। पीछे के डोर में इसमें पावर विंडो नहीं आती, हमने स्पेशल इसकी पीछे की पावर विंडो यहाँ इंस्टॉल कर दी है जो वर्क कर रही है प्रॉपरली। और यहाँ भी हमने कार्बन थीम का टचअप दे दिया अगेन, जैसे डोर्स आगे के थे पीछे के डोर्स मैंने वैसे इसको बिल्ट कर दिया है। कस्टमाइज इंटीरियर में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सिमेट्री, कलर थीम और जो एक प्रोजेक्शन है वो एक जैसी हो। तो यहाँ पर उसी तरीके से पूरा रूप रंग देखेंगे। ये जो पिलर्स हैं सी बी ए आगे के, ये सारे के सारे हमने हाइड्रो डिप करे हैं ताकि जो इसका ओरा है वो बना रहे। ऊपर के ब्लैक वेलवेट के साथ नीचे सी ग्रीन और पूरी जो व्हाइट और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत खिला हुआ कलर है। एक स्पोर्ट्स कार की लुक दे रही है ये वैगनार, जो कि ओल्ड वैगनार है। नीचे के मैट देखेंगे तो सेम कलर जिस कलर में आपके सीट्स कवर हैं, अगेन उसी कलर में यहाँ कस्टमाइज बोस मैट रेडी कर दिए गए हैं जो नीचे के कारपेट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त इंटीरियर इस समय आप देख रहे हैं एम्बिएंट लाइट अल्ट्रा के फोर की। ये देखेंगे साइड्स के डोर में, साइड्स फ्रंट्स में, नीचे स्टीरियो के नीचे, दोस्तों ज़बरदस्त। मैं देखो पर्सनली बताऊं तो इस कार का जो इंटीरियर है या फ्रंट के आप डैशबोर्ड को ये देखिए कि आपको क्या एक क्लासिक लुक नज़र आ रही है, स्पोर्ट्स कार फील आ रही है। स्टीयरिंग से लेके जो फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड है हाई क्लास है। एरोप्लेन में एक पायलट सीट्स होती है, उस पर बैठ के जो फील आती है वो इस समय वैगनार में आपको जरूर आएगी अगर आप इसमें बैठे हो मेरे साथ ज़बरदस्त तरीके से। ये देखेंगे अब चलते हैं इसके म्यूजिक पार्ट पे कि हमने क्या क्या इंस्टॉल करा है। हालांकि मैं उससे पहले बता दूं आपको कि यहाँ पर सीटिंग देखेंगे तो कम्फर्टेबल सीटिंग पेगासस प्रीमियम ने रेडी कर दी है वैगनार की सीट्स पे। डिज़ाइन देखेंगे कितना एलिगेंट लग रहा है, ब्लैक के साथ वाइट टचअप है, अगेन वाइट टचअप आपके हेडरेस्ट पे आ जाता है। डबल स्टिचिंग इफेक्ट आप यहाँ देख रहे हैं और उसके साथ साथ देखो रिंकल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हमने यहाँ एक्स्ट्रा फोम पैडिंग कर दी है जिससे कि थोड़ा कंफर्ट कस्टमर को और मिलेगा। और लाइटिंग के साथ इसका जो ओरा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखेंगे आप ये स्टीरियो का जो नीचे का फ्रेम पैनल है, यहाँ भी कार्बन थीम हमको वो हाइड्रो डिप करने के बाद इसकी जो लुक है इस तरीके से नज़र आएगी। जो आपकी कितनी भी पुरानी कार हो, आप अपने हिसाब से पुरानी से पुरानी कार को मात्र थोड़े बहुत पैसों में अकॉर्डिंग टू योर बजट आप ऐसे इंटीरियर करा सकते हैं। कस्टमर्स की जो कार्स होती है उनसे जुड़ी होती हैं, दे डोंट वांट सेल, वो चाहते हैं हम बेचे नहीं, थोड़ा चार्जेस लगा के थोड़ा सा इसका रंग रूप निकालें, अच्छा बनाएं ताकि बैठते हुए गुड फैक्टर आए, लगे कि एक नई चीज़ में बैठे हैं। एक कनेक्शन होता है कार से, तो ये इमोशन जो जुड़ा होता है उन लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी कार्स को इंटीरियर वाइज एक्सटीरियर वाइज अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। चलते हैं म्यूजिक पैटर्न की तरफ। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे मैंने इसके अंदर ड्रिवन कंपनी का 9 इंचेस का एंड्रॉयड 232 GB का डाल दिया है। रियर में कैमरा इंस्टॉल कर दिया है। इसके अंदर जो भी यूट्यूब फेसबुक जो भी मल्टीमीडिया फंक्शंस हैं यहाँ सारे आपको देखेंगे, यह सारे डिस्प्ले हो गए हैं। तो इस तरीके से आप पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो इसका देखेंगे, हालांकि इसका जो टच है वो कितना स्मूथ है बिकॉज ऑफ जो ये ब्रांड है, ये वाकई में बहुत अच्छा है। और इसकी 1 ईयर की वारंटी आती है और रिप्लेसमेंट वारंटी है, और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो इसमें हमने इसके साथ साथ कंपोनेंट्स इंस्टॉल करे हैं टू डोर्स के अंदर, जो कि म्यूज़िक आप सुनेंगे। और हमने एक अंडर सीट सबवूफर सोनी कंपनी का इंस्टॉल कर दिया जो कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसको करने के बाद जो लुक है, जो एक लुक के साथ साथ जो म्यूजिक की साउंड है वो काफ़ी अच्छा हो गया है इंक्रीज़। इसके अलावा हमने इसके अंदर ऑटो फोल्ड रिले डाल दी है, मतलब शीशे ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएंगे, ऑटोमेटिक जब नीचे होंगे हम कार को ऑफ करेंगे। और ये रही आपकी वैगनार। और इसके बाद अब चलते हैं प्राइसिंग को लेकर। तो दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो उसका नियर अबाउट जो इंटीरियर हुआ है
वो 95,000 में हुआ है, क्योंकि जो इसकी एम्बिएंट लाइट है और स्टार लाइट है वो अपने आप में 25,000 to 30,000 की है। इसके अलावा 55,000 to 60,000 इसकी जो कंप्लीट इंटीरियर है, जिसमें आपकी सीटिंग, आपका डैशबोर्ड, आपके मैट्स, आपका स्टीयरिंग रैप, आपके साइड्स के डोर, पिलर्स, आर्मरेस्ट, रूफिंग, ये सब इंक्लूड है। तो देखिए 50,000 to 60,000 रुपये में क्या रंग रूप निकल के आ गया है कि गाड़ी की जो लुक है वो एकदम 180 एनहांस हो गई है। अगर आपकी बहुत पुरानी गाड़ी है तो भी खरीद सकते हैं, इन मिडल है तो भी, और नई है तो अपने हिसाब से तो कस्टमाइज़ करा ही सकते हैं। तो प्राइसिंग की बात यहाँ पर हो गई। म्यूजिक सिस्टम इसमें नियर अबाउट 50,000 का लगा है, जिसमें आपका एंड्रॉयड, दो कंपोनेंट्स, एक एम्पलीफायर और एक जो अंडर सीट सबवूफर है वो, और वायरिंग और कपलर्स एवरीथिंग सब ब्रांडेड है। JL का इसके अंदर कंपोनेंट्स लगा है, सोनी के इसके अंदर अंडर सीट सबवूफर लगे हैं। आप सोच सकते हैं कि नंबर प्लेट टैक्सी नंबर प्लेट है, बट कस्टमर का शौक देखिए कि हर एक चीज़ उन्होंने जेन्युइन लगाई है, मतलब ट्रूली मोटिवेशनल, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली अच्छी गाड़ी गाड़ी हो या छोटी हो, हर बंदे का अपना बजट होता है, बट उन्होंने इसमें दिल खोल के चार्ज खर्चा है ताकि उसके हिसाब से इसकी लुक भी निकल गया, ये जेन्युइन है। बाहर का देखेंगे तो बाहर का जो इसका पेंट है, नियर अबाउट 25,000 to 30,000 में कंप्लीट इसकी गाड़ी बाहर से भी रिस्टोर हो गई है, और आगे की जो हेडलैम्प है वो 28,000 के नीचे के IPS प्रोजेक्टर 8,000 के। तो टोटल आप लिख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी डिटेल डाल दूंगा। तो पेगासस प्रीमियम पे आप कॉल कर सकते हैं अपनी कार के लिए कि आपको किस तरीके का इंटीरियर अच्छा लगता है, और उसके बाद हम आपको आपकी गाड़ी के हिसाब से आपको जो चाहिए उसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा गाइड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी के लिए ये जो फील फैक्टर है वो आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं पेगासस प्रीमियम से। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये रही वैगनार, मैं बहुत सारी थार्स, XUV, बुरखा, जिंगनी लगातार बनाता आ रहा हूँ और बनाता जाऊँगा, जो कि वीडियो आपको लगातार दिन प्रतिदिन मिलती जाएगी, क्योंकि वाक्य में आपने जो 6 महीने 7 महीने में इतना प्यार दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। एक बार कस्टमर को साथ ले चलूँगा ताकि वो अपना फीडबैक दे सकें, ताकि आपको भी लगे कि ठीक है चीज़ उस हिसाब से, जिस हिसाब से इसकी आउटपुट निकलनी चाहिए थी उस हिसाब से इस वैगनार की आउटपुट निकल चुकी है। तो यहाँ पर देख चुके हैं आप 2018 मॉडल जो वैगनार कंप्लीट इंटीरियर प्लस आउटर में पूरी तरीके से बदल चुकी है, खासकर जो उसका इंटीरियर का कलर कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। कस्टमर को अपने साथ लेता हूँ, देते हैं अपना फीडबैक। आइए सर, जो गाड़ी में वर्क हुआ है बहुत ही अच्छा, अमेजिंग है, मुझे नहीं विश्वास था कि ऐसा काम हो सकता है, बट जो भी हुआ है बहुत परफेक्ट काम तरीके से, और फिनिशिंग बिल्कुल ही बढ़िया है। अच्छा लगा सर, बहुत बहुत, मतलब ये अंदर से इंटीरियर और बाहर से पूरा कंप्लीट इंटीरियर, तो कंप्लीट इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मॉडिफिकेशन हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।